नमस्कार दोस्तों, तो देखिए इस वीडियो में बात करेंगे कैल्टन टेक स्टॉक के बारे में। स्टॉक जो है Q4 के नंबर्स अच्छे आए थे, उसके बावजूद भी लगातार 3 दिनों में आप देख सकते हैं 92 रुपीज़ से 74 रुपीज़ पे आज क्लोज किया है। इसमें जो रिटेल इन्वेस्टर्स ने काफ़ी अलग अलग प्राइस के ऊपर के स्तरों पर भी बाइंग कर रखी है और वो काफ़ी चिंतित हैं कि आखिर गिरावट की वजह क्या है। वही मैं दूसरी ओर दिखाऊँ तो कल की डेट में एक बल्क डील भी यहाँ देखने को मिली है। सारी बात इस वीडियो में करेंगे। तो देखिए आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, चैनल पे अगर नए आए हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो देखिए 2 दिन पहले जो कंपनी के नंबर्स आए थे, मैंने जो है आपको वीडियो बना के नंबर के बारे में जानकारी दी थी। नंबर में कहीं कोई खराबी नहीं है, मैं एक फिर से नंबर की झलक आपको दिखला देता हूँ। तो देखिए कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं, मैंने विस्तृत वीडियोस पर बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी आपको एक दिखा देता हूँ। नंबर में कहीं कोई खराबी नहीं है। दिसंबर 2020 के क्वार्टर से मार्च 2021 के क्वार्टर की आय को आप देखेंगे तो 197 करोड़ से आय बढ़ के कंपनी की 208 करोड़ देखने को मिली थी। वहीं सीधे नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में आपको हल्की सी गिरावट जरूर दिखी थी। 21 करोड़ 86 लाख के मुकाबले इस क्वार्टर में मुनाफा कंपनी का 18 करोड़ 91 लाख आया था। वहीं इसको पिछले साल मार्च के क्वार्टर से आप कंपेयर करेंगे तो काफ़ी बढ़िया आपको नंबर देखेंगे। 208 करोड़ की जो आय थी वो लगभग 208 करोड़ ही फ्लैट आती हुई देखें, हल्की सी बढ़त के साथ 70-80 लाख रुपए की थोड़ी सी उछाल देखने को मिला था। वहीं नेट प्रॉफिट की देखेंगे तो 14 करोड़ 55 लाख से आय इनकी बढ़ के 18 करोड़ 91 लाख आती हुई देखने को मिली है। और पूरे साल दर साल का अगर मैं आपको बताऊँ, ईयर 2019-20 को 2020-21 से कंपेयर करेंगे तो 774 करोड़ से आय इनकी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है, लेकिन 780 करोड़ आती हुई देखने को मिली है ईयर 2020 में। वहीं नेट प्रॉफिट की बात करें तो 70 करोड़ 53 लाख से इनकी जो है नेट प्रॉफिट बढ़कर 71 करोड़ 12 लाख का पूरे ईयर 2021 में आता हुआ देखने को मिला है। तो नंबर के लिहाज से कहीं कोई ख़राबी नहीं है, पर हाँ ये ज़रूर है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हल्के से आपके जो नेट प्रॉफिट का आंकड़ा है वो आपको 3 से 4 करोड़ का गिरते हुए देखने को मिला है। लेकिन वो कोई खास बात नहीं है, क्योंकि मेनली जो है नंबर ईयर ऑन ईयर बेसिस के और कंप्लीट ईयर के अगर कंपेयर करके मार्केट देखता है कि एक साल में कंपनी की ग्रोथ किस प्रकार से रही है। तो नंबर अच्छे हैं, कंपनी में किसी तरह की कोई खराबी नहीं है, फंडामेंटली भी कोई खराबी वाली बात नहीं है। वहीं जिस बल्क डील की बात मैं आपको कर रहा हूँ वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं 16 जून यानी कल को 16 जून 2021 को कंपनी का सिंबल है कैल्टनटेक और सिक्योरिटी का नाम है कैल्टन टेक सॉल्यूशन लिमिटेड। क्लाइंट का नाम है जिन्होंने बाय किया लिंगा राजू गोडवा मल्लिकार्जुनाप्पा, नाम आप देख सकते हैं ये कोई साउथ का कोई इन्वेस्टर हो सकता है, मैं जानता नहीं इनको, लेकिन इन्होंने बाय किया है। क्वांटिटी जो इन्होंने उठाई है वो है 535,000 शेयर्स जो इन्होंने उठाए हैं 85 रुपीज़ 24 पैसा के प्राइस पे। तो ऐसा नहीं कि कोई ख़राबी है, बाइंग भी इसमें हो रही है। साथ ही आप इस न्यूज़ में भी देख सकते हैं मनी कंट्रोल वाले जो बल्क डील के डेटा रोज का पब्लिश करते हैं वो कल की डेट में इन्होंने शाम को पब्लिश किया था। कैल्टन टेक सॉल्यूशन में लिंगा राजू गोडवा इन्होंने जो एक्वायर्ड 5.35 लाख इक्विटी शेयर्स इन कैल्टन टेक एट द प्राइस ऑफ 85 रुपीज़ 24 पैसा पर शेयर, द NSE बल्क डील डेटा शोड। तो इन्होंने यहाँ भी इसको कवर किया हुआ है। वहीं देखिए आज के चार्ट की बात करें तो आज 6% तक स्टॉक है ऊपर के स्तरों से ले बैठा और ये आप देखेंगे 78 रुपीज़ पे के प्राइस पे ओपन हुआ था। उसके बाद में हल्की हल्की जो है सस्टेन करने का प्रयास किया इसने 77 के आसपास के लेवल को, और वहीं एक गिरावट का दौर इसमें फिर से आपको आते हुए देखने को मिला और फाइनली स्टॉक मार्केट बंद होते होते 6% तक की गिरावट इसमें गिराती हुई देखने को मिली है। 5 दिन का चार्ट दिखाऊंगा तो ऊपरी स्तरों से बहुत तेज़ी से स्टॉक टूटा है, 18.5% की गिरावट स्टॉक में दिखी है और इन सभी लेवल पर जो है रिटेल इन्वेस्टर्स ने सभी ने बाइंग कर रखी है। वो काफ़ी उनके ज़्यादा क्वेरी बनी हुई है कि भाई क्या कारण है, क्यों गिर रहा है। पिछला चार्ट के एक बार मैं आपको हिस्ट्री दिखा देता हूं तो 1 महीने में आप देखेंगे 17.5% की रिटर्न आपको दिखेगी, 6 महीनों में थोड़ा सा फ्लैट स्टॉक आपको दिखेगा, ईयर टिल डेट में भी फ्लैट दिखेगा, वहीं एक साल में देखेंगे तो 384% का रिटर्न जो है स्टॉक ने दिया है। तो देखिए वही मैं आपको अगर डेली चार्ट दिखाऊं तो डेली चार्ट पे आप देखेंगे लगातार स्टॉक जो है 5 कैंडल आपको रेड दिखेंगी, 1, 2, 3, 4, 5 कल और आज, कल 6% के लिए कल 7 से 8% भी स्टॉक फिसलता हुआ देखने को मिला था। रेड कैंडल जो कल की आप काफ़ी बड़ी देख सकते हैं। तो देखिए ऐसा कुछ खास तो कारण है नहीं, लेकिन यहाँ जो है इस प्राइस पे जिस पे अभी स्टॉक खड़ा है यहाँ सपोर्ट लेना चाहिए, और वहीं क्योंकि ये देखिए आप इस रेंज में स्टॉक कंसोलिडेट पर लगिया हुआ है, ये यहाँ पर तो स्टॉक ने रेजिस्टेंस भी काफ़ी अच्छा फेस किया था, उसके बाद 60 रुपये तक की गिरावट बढ़ती हुई देखने को मिली, तो यहाँ स्टॉक सपोर्ट लेना चाहिए ऐसी उम्मीद है। अगर कल और फिसलता है तो 70 रुपये के आसपास सपोर्ट लेना चाहिए। तो फिलहाल जिन लोगों ने ले रखा है तो भैया आपको होल्ड करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कंपनी में। इसको जी बिजनेस पर भी 5-7 दिन पहले रिकमेंड हुआ था, उससे पहले 15 दिन पहले भी स्टॉक रिकमेंड हुआ था, उस पर भी मैंने अलग से वीडियो जो है बताया था। तो कोई खास ऐसी बात स्टॉक में नहीं है, एक्सपर्ट का पैनल स्टॉक को लेकर बुलिश है और वो रिकमेंड भी करते हैं, कंपनी भी अच्छी है, सब तरह से ठीक है।
तो फिलहाल ठीक है, अब थोड़ी गिरावट है, ऊपर स्तरों पर दबाव देखने को मिल रहा है, तो उसका तो कोई इलाज नहीं है, लेकिन आप इसको होल्ड करिए। और अगर आपको कंपनी पसंद है, आप फिर भी इस पर बुलिश हैं, और अगर आपका स्पेयर अमाउंट है तो आप एवरेज करना चाहें तो वो भी आप विचार कर सकते हैं। लेकिन एक बात समझ के रखिए, आपको थोड़ा टारगेट यहाँ लॉन्ग रखना पड़ेगा। जिस तरह से स्टॉक में तेज जो है प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, उसी स्तर से ये आपको हो सकता है अगले एक दो दिनों में 4-5% तक की तेज़ी भी दिखा दे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जो वेट कर रहे होंगे कि इसको जो स्टॉक को हम एकदम बॉटम फिशिंग करना चाहते हैं, बॉटम पे पकड़ना चाहते हैं, उसको होल्ड करना चाहते हैं। तो बॉटम फिशिंग जिस दिन होने लगेगी स्टॉक में, आपको फिर से चलता हुआ देखने को मिल जाएगा। एवरेज करना चाहें तो आपकी इच्छा की बात है, एवरेज ना भी करें तो भी इसको होल्ड करिए, कम से कम Q1 के नंबर्स तक तो होल्ड करिए। Q1 के नंबर मतलब अप्रैल, मई और जून, जुलाई के आसपास नंबर आते हैं आपको देखने को मिलेंगे। कम से कम 2-3 महीने इसको और आराम से होल्ड करिए, और ज़्यादा चिंता मत कीजिए, होल्ड कीजिए बस इसको, और नज़र रखिए, कहीं कोई खबर आती है तो उस पर नज़र रखिए। तो चलिए, जानकारी कैल्टन टेक के बारे में आपको बता दिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।